हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे कि आपको मालूम है, इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था और जो सॉल्व एग्जाम्पल था वो हमने कम्प्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 6.6 से रिलेटेड। तो आज हम एक्सरसाइज 6.6 के सम स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 12 क्वेश्चन है, इसमें वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में वर्ड प्रॉब्लम जो आपका एक्सरसाइज 6.6 है वो टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में श्योर रहता है। तो एक्सरसाइज 6.6 आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है 4 मार्क्स के लिए। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे ध्यान से देखना और वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूं। सो देखो, एक्सरसाइज 6.6 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। तो यहाँ पे सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया है। तो आपको मालूम है बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन होता है वो इंक्रीज होते जाता है, जैसे टाइम पास होगा डे बाय डे वो इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं देखो यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, आई विल राइट हियर, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिखोगे आप यहाँ पे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी ले लेते हैं हम लोग, एट एनी टाइम यहाँ पे टी ले लेंगे हम लोग। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक्स एट एनी टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेजेंट बैक्टीरिया। सो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, देयरफोर डी एक्स, हाँ डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। सो डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, इट्स प्रेजेंट बैक्टीरिया दैट इज एक्स। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के एक्स हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ बैक्टीरिया डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, वेयर के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम बोल सकते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के एक्स, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि डी एक्स के साथ में एक्स का फंक्शन आएगा और डी टी के साथ में टी का फंक्शन आएगा। तो मैं थोड़ा सा और इसे मॉडिफाई करता हूँ। देखो ये डी एक्स यहाँ पर न्यूमरेटर है तो एक्स को यहाँ पर शिफ्ट कर दो अपॉन एक्स हो जाएगा, डी टी को वहाँ पर शिफ्ट किया तो देखो आपका के इंटू डी टी हो जाएगा, वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग, हाँ ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बोथ साइड। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स और ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। इंटीग्रेशन तो आपको अच्छी तरह से आता है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब हमने किया हुआ है। 1/x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log x होता है और k का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, सो k t और यहाँ पर प्लस c हो जाएगा, वेयर c इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये तो देखो हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, हाँ क्योंकि ये इक्वेशन को ही यूज़ करके हम फर्दर सम्स को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है। तो सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, ठीक है। तो हम पहले इनिशियल बैक्टीरिया अज्यूम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर एट टाइम टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग
ऑलवेज इनिशियल कंडीशन टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एट टी इक्वल टू जीरो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ लेट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो बी द बैक्टीरिया एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। बिकॉज देखो हमने स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट अ टाइम टी। तो एट अ टाइम टी इक्वल टू जीरो लेट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। इसे हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन में ऑलवेज टाइम ड्यूरेशन टी इक्वल टू जीरो रहेगा एंड लेट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। अब ये जो हमने इनिशियल कंडीशन यूटिलाइज किया है उसे हम इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, देखो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, एक्स जीरो इज इक्वल टू के तो एज इट इज रहेगा, टी का वैल्यू हमने जीरो लिया है और ये प्लस सी हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ से हमें सी का वैल्यू मिलेगा। सो देखते हैं क्या होगा ये। सो दिस विल बी सी इक्वल टू हमें मिल जाएगा देखो लॉग ऑफ एक्स जीरो बिकॉज के इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये देखो हमें सी का वैल्यू मिल गया है, इससे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर टू। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमें सी और के का वैल्यू कॉन्स्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा तो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। अब देखते हैं कंडीशन क्या दिया है इक्वेशन में। कंडीशन यहाँ पे दिया है इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन फोर आवर्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन टी टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा फोर आवर्स तो x इज इक्वल टू क्या होता है डबल हो जाता है। तो x इक्वल टू हमने x जीरो लिया था तो x जीरो का डबल क्या हो जाएगा टू एक्स जीरो हो जाएगा दिस वे। तो व्हेन t इक्वल टू फोर आवर्स x इक्वल टू डबल हो जाता है वो टू एक्स जीरो हो जाएगा। तो मैं ये t का वैल्यू फोर और x का वैल्यू टू एक्स जीरो अगेन हम इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन अगेन ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ x के प्लेस पे लिखना है आपको टू एक्स जीरो एंड दिस इज इक्वल टू k इंटू टी के प्लेस पे आपको फोर लिखना है प्लस सी दिया है। देखो यहाँ पे प्लस सी है और सी का वैल्यू ऑलरेडी हमने इक्वेशन नंबर टू में निकाला हुआ है वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ देखो आपका हो जाएगा ये एक्स जीरो। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो दिस इज लॉग ऑफ टू एक्स जीरो, लॉग एक्स जीरो को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू के इंटू फोर, ये देखो फोर के हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा सो दिस इज लॉग ऑफ टू एक्स जीरो डिवाइड बाय दिस इज एक्स जीरो इज इक्वल टू दिस इज फोर के। एक्स जीरो कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बच रहा है देखो यहाँ पे, तो हमें यहाँ पर बच रहा है लॉग टू इज इक्वल टू फोर के। आपको पता है जैसे मैंने आपको बताया हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन में k एंड c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक बार k एंड c का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें फाइनल आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं k फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा देखो आपका, तो दिस इज़ k इक्वल टू वन बाई फोर हो जाएगा यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करना होगा। k का वैल्यू वन बाई फोर देखो हमें यहाँ पर मिला है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर देखो मैं यहाँ पर थ्री दे देता हूँ। ऑलराइट, तो इक्वेशन नंबर थ्री में के का वैल्यू हो गया, इक्वेशन नंबर टू में हमें सी का वैल्यू हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। तो हमें एक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने के बोल रहा है कि जब टाइम ड्यूरेशन 12 आवर्स रहेगा तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है व्हेन t इक्वल टू कितना दिया है 12 आवर्स दिया है, तो आपको देखो x यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, t का वैल्यू 12 हम पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर वन में, बिकॉज यहाँ से ही हमें पूरा आंसर मिल रहा है। मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम, हाँ यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन देखो तो ये हो जाएगा आपका log of x तो फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल टू k इंटू टी का वैल्यू कितना है 12 और ये देखो प्लस सी है। सो दिस आई कैन राइट, ये हो जाएगा आपका log x इक्वल टू दिस इज 12 के प्लस सी हो गया। ये k और c का वैल्यू मालूम है हमें इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से सब्स्टिट्यूट करूँगा। सो दिस इज log x इज इक्वल टू 12 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k का वैल्यू है 1 बाई फोर लॉग टू, तो लिख दो आप यहाँ पर 1 बाई फोर इंटू log 2 प्लस सी का वैल्यू कितना मिला है,
इक्वेशन नंबर टू में देखो सी का वैल्यू है लॉग ऑफ एक्स जीरो, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉग ऑफ एक्स जीरो। सिंप्लीफिकेशन करना है तो ये हो जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू फोर वन ज़ा फोर थ्री ज़ा कैंसिल हो गया, सो दिस इज थ्री इंटू लॉग टू और ये देखो आपका प्लस हो गया लॉग ऑफ एक्स जीरो। सो दिस आई कैन राइट लॉग एक्स, लॉग एक्स जीरो को हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो माइनस देखो हो जाएगा आपका ये लॉग एक्स जीरो इज इक्वल टू ये लॉग टू और थ्री मल्टीप्लाइड है तो पावर में चला जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी आपको मालूम है लॉ ऑफ इंडाइसिस, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ अगेन प्रॉपर्टी, सो दिस इज एक्स अपॉन एक्स जीरो इज इक्वल टू लॉग ऑफ टू रेस टू थ्री, तो मालूम है आपको एट हो जाएगा। लॉग लॉग बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी लॉग है यहाँ भी लॉग है तो लॉग चला जाएगा, सो दिस इज एक्स अपॉन एक्स जीरो इज इक्वल टू देखो यहाँ पर एट है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इज इक्वल हो जाएगा एट एक्स जीरो, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो देखो हम यहाँ पे मिला है एक्स इक्वल टू एट एक्स जीरो। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स, तो 12 आवर्स में जो बैक्टीरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज हमने इनिशियल बैक्टीरिया क्या लिया था, हमने देखो इनिशियल बैक्टीरिया एक्स जीरो लिया था, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो लेट एक्स इक्वल टू एक्स जीरो बी द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो 12 आवर्स में एक्स इक्वल टू कितना हो रहा है, एक्स जीरो का 8 टाइम्स हो जा रहा है, तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट द बैक्टीरिया आफ्टर 12 आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बिकम 8 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर आप यहाँ पे लिखोगे आफ्टर 12 आवर्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स 8 times इट्स ओरिजिनल नंबर, 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल नंबर, तो ये देखो हमारा फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। ये नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू देखो हमें दिया है इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल अंडर द एजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स गिवन, ठीक है, तो सेम जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही आपको सेकेंड वाला भी सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा, सो आई विल राइट हियर लेट, हम लिखेंगे let x be the present population एट टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पर टी, यहाँ से अज्यूम करेंगे लेट एक्स बी द प्रेजेंट पॉपुलेशन एट अ टाइम टी, देयरफोर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें यहाँ पर दिया है डी एक्स अपॉन डी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा यहाँ पे इट्स पॉपुलेशन एट टाइम टी दैट इज एक्स हो जाएगा ये, सो देयरफोर आई कैन राइट हियर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं k into x where k is the constant of proportionality, तो population रहेगा तो always increase होता है मालूम है तो positive आएगा kx, और अगर suppose आपका radioactive substance है तो वो तो day by day decrease होते जाता है तो वहाँ पर negative यानी कि minus kx आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर increase होगा वहाँ पर आएगा पॉजिटिव के एक्स और जहाँ पर डिक्रीज होगा या डीके होगा वहाँ पर आएगा नेगेटिव के एक्स, ये आपको ध्यान में रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन में। अब हम यहाँ से पता है आपको एक बार जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है तो हम वेरिएबल को सेपरेट करके और उसे इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा जनरल सॉल्यूशन, तो मैं देखो वेरिएबल सेपरेट करता हूँ तो हम क्या करेंगे ये डी एक्स हो गया एक्स को यहाँ पर शिफ्ट कर लो और ये हो जाएगा आपका के इंटू डी टी, वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग, हाँ इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा देखो आपका बोथ साइड, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हो जाएगा आपका के इंटू डी टी, इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स
और k का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t है, तो ये हो जाएगा आपका देखो kt प्लस सी, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर वन। ये जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जनरल सॉल्यूशन को यूज़ करके आप क्या करोगे, हम पहले c और k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार c और k का वैल्यू मिल जाएगा तो जो क्वेश्चन हमें पूछा है एट द एंड में उसका आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल कंडीशन से। तो मैं इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर व्हेन। तो सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, तो आई विल राइट हियर व्हेन एक्स इक्वल टू, सपोज हम इनिशियल पॉपुलेशन को एक्स जीरो ले लेते हैं। एट टाइम ऑलवेज हम टी इक्वल जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो एट अ टाइम टी इक्वल जीरो लेट एक्स जीरो बी द इनिशियल, यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू एक्स जीरो और टी इक्वल टू जीरो हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ एक्स के प्लेस पे आएगा एक्स जीरो, दिस इज इक्वल टू के इंटू टी का वैल्यू जीरो पुट करना है प्लस सी। ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन में हमेशा हम टाइम टी इक्वल टू जीरो से ही स्टार्ट करते हैं और आपको सी का वैल्यू वहाँ से मिलता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ x जीरो इज इक्वल टू k इंटू जीरो, तो k इंटू जीरो आपका जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस सी यानी कि c हो जाएगा। इसे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर वन। तो देखो इक्वेशन नंबर वन हमें, सॉरी इसको इक्वेशन टू दे देता हूँ। तो इक्वेशन टू में हमें c का वैल्यू मिल गया। अब जब मैं दूसरा कंडीशन यूज़ करूँगा तो वहाँ से मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार आपको k और c का वैल्यू मिल जाता है उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखो यहाँ पे, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन टी इक्वल टू 60 ईयर्स पॉपुलेशन एक्स इक्वल टू जो एक्स जीरो है उसका डबल हो जाएगा, यानी कि टू एक्स जीरो हो जाएगा। क्योंकि जो इनिशियल पॉपुलेशन है एट टाइम टी इक्वल जीरो उसे हमने एक्स जीरो अज्यूम किया है, तो 60 ईयर्स में क्या हो जाएगा, वो 2x0 पॉपुलेशन आपका डबल हो जा रहा है। तो व्हेन टी इक्वल टू 60 एक्स इक्वल टू 2x0, तो ये वैल्यू हम अगेन इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, सो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको अभी 2x0, तो लॉग ऑफ 2x0 इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज़ k इंटू टी का वैल्यू, टी का वैल्यू हमें लेना है 60 प्लस, देखो यहाँ पर c दिया हुआ है तो प्लस c, बट c का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर टू में निकाला हुआ है। सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा log of x0, सिंप्लीफिकेशन करना है, सो दिस इज log of 2x0 प्लस log x0 को यहाँ पर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस log x0 इक्वल टू दिस इज 60k हो गया। log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा, सो दिस इज लॉग ऑफ डिवीजन हो जाएगा, हाँ सब्ट्रैक्शन है तो 2x0 अपॉन x0 इज इक्वल टू दिस इज 60 इंटू के, x0 कैंसिल होता है तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग 2 इज इक्वल टू दिस इज 60k। हमारा इंटरेस्ट है k फाइंड आउट करने में, तो मैं देखो यहाँ से क्या करता हूँ, देयरफॉर k इज इक्वल हो जाएगा 1/60 इंटू देखो लॉग 2 हो जाएगा, मैं इसे दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल अंडर द एजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स गिवन, यानी कि कितने ईयर्स में पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है, तो x इक्वल टू क्या बोल रहा है ट्रिपल, यानी कि 3x0 इन हाउ मेनी ईयर्स, तो ये देखो t आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितने ईयर्स में पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगा। इनिशियल कंडीशन में हमने पॉपुलेशन को x इक्वल टू एक्स जीरो लिया था, तो ट्रिपल हो जाएगा मतलब वो 3x0 कितने ईयर्स में हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम अगेन इक्वेशन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे, तो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन क्या दिया है, ये देखो है आपका लॉग एक्स, एक्स के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है 3x0, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3x0 एंड दिस इज इक्वल टू के इनटू दिस इज टी, टी तो फाइंड आउट करना है और ये प्लस सी फ्रॉम इक्वेशन वन से मिला।
अब हमने k एंड c का वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन 2 और 3 में निकाला हुआ है, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो दिस विल बी एक्चुअली log ऑफ 3x0 इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना हमने निकाला है, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में 1/60 हाँ, तो लिख दो 1/60 इंटू log 2 इंटू t, तो आपको फाइंड आउट करना है. प्लस c का वैल्यू भी हमने निकाला है इक्वेशन नंबर 2 में log x0, तो यहाँ पर लिख दो आप log ऑफ x0. सिंप्लीफाई करना है log का प्रॉपर्टी यूज़ करके. तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपको दिया है log 3x0, यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा माइनस log x0 इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, t को आगे ले सकता हूँ मैं, तो ये देखो आपका t बाय 60 हो जाएगा, और ये तो यहाँ पर log 2 है, तो log का प्रॉपर्टी यूज़ होगा. सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन हो जाएगा. सो दिस इज 3x0 अपॉन दिस इज x0 इज इक्वल टू, ठीक है, ये t अपॉन 60 मैं ऐसे ही लिखता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर देखो log 2 है, x0 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पर बच रहा है log 3 इज इक्वल टू t अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय देखो log 2 दिया हुआ है. log 2 एंड log 3 दोनों का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है. देखो यहाँ पर log 2 का वैल्यू दिया है, log 3 का वैल्यू दिया है, तो log 3 का वैल्यू है 1.0986 है, दिस इज इक्वल टू t अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय log 2 का भी वैल्यू हमें दिया है 0.6912, तो लिख दो 0.6912. सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ से t का वैल्यू मिल जाएगा, मैं देखो सिंप्लीफाई करता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा आपका 1.0986 हो जाएगा, ठीक है, 0.6912 यहाँ पर लाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, सो दिस इज 0.6912, और ये 60 यहाँ पर डिवाइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो इनटू हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू टी. अब ये जो सिंप्लीफिकेशन है 1.0986 अपॉन 0.6912, आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो या डायरेक्ट आपको डिवाइड करना तो डिवाइड भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा. तो मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो ये डिवीजन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 1.5894 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, इंटू 60 करता हूँ मैं, इक्वल्स टू देखो यहाँ पर टी. सो 1.5894 इंटू 60 करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 95.364 इज इक्वल टू टी. सो देयरफॉर टी इक्वल टू, और थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर दो तो 95.4 ईयर्स आएगा. ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया. तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन विल बिकम ट्रिपल. सो हम क्या लिखेंगे आंसर, इन 95.4 ईयर्स द पॉपुलेशन विल बिकम ट्रिपल, यानी कि अगर हमने x0 इनिशियल पॉपुलेशन लिया है तो 95.4 ईयर्स में वो ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 3x0 हो जाएगा. तो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया हुआ है, इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इन 30 मिनट्स बोल रहा है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर. तो ये जो क्वेश्चन है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है, और मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल में, जब मैंने एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करने के पहले मैंने सॉल्व एग्जांपल्स का देखो वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक्सप्लेन किया था और उसके ऊपर हमने सम्स भी सॉल्व किया था. तो एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना होगा, आई विल राइट हियर, लेट थीटा बी द टेम्परेचर, हाँ लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम टी ले लेते हैं हम लोग. लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम टी, एंड हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे लेट थीटा ज़ीरो इज इक्वल टू हो गया ये रूम टेम्परेचर, या दिस इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम थीटा ज़ीरो. अब जो क्वेश्चन आपको दिया है देखो यहाँ पर आपको थीटा ज़ीरो का वैल्यू दे दिया इन लोगों ने पहले से,
थीटा जीरो आपको देखो रूम टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लिख दो थीटा जीरो इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज गिवन है, ठीक है। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे, देयरफॉर आई विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, सो राइट ऑन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पर देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला होता है डी थीटा अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम थीटा माइनस थीटा जीरो लिखते हैं दिस वे। तो अब हम प्रोपोर्शन को यहाँ से रिमूव करेंगे, सो क्या मिलेगा देखो आपको यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस आएगा, और ये थीटा माइनस थीटा जीरो, और यहाँ पर कांस्टेंट भी आएगा ना, कि माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ होते जा रहा है ना, तो जहाँ पर डिक्रीज़ होगा डीके होगा तो नेगेटिव आता है, इंक्रीज़ होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस थीटा जीरो इंटू के आएगा, वेयर के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस थीटा जीरो को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, सो थीटा माइनस थीटा जीरो और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है माइनस के बचेगा, डी टी को यहाँ पर शिफ्ट कर दो तो माइनस के इंटू डी टी हो जाएगा, ये तो ये हो गया डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो। अभी आपको थीटा जीरो तो पता ही है, तो मैं थीटा जीरो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सो दिस आई कैन राइट डी थीटा डिवाइड बाय थीटा माइनस थीटा जीरो 25 दिया है रूम टेम्परेचर, या उसे बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, पहले से दिया है 25 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, वेरिएबल सेपरेट है हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आप लिख सकते हो 1 अपॉन दिस इज थीटा माइनस 25 इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। अब 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो, तो अगर आप थीटा माइनस 25 का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा ना, बिकॉज थीटा का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा तो कितना आएगा 1 आएगा, थीटा माइनस 25 इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 1 आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x आपको पता है log x होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ आप लिखोगे थीटा माइनस 25 हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू, और डी टी का इंटीग्रेशन आपको पता है t हो जाएगा, और आप लिखोगे प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, हाँ बिकॉज यही इक्वेशन यूज़ करके हमें सम्स को फर्दर सॉल्व करना है। अब देखते हैं इनिशियल कंडीशन इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन 30 मिनट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लिखेंगे व्हेन, देखो आपका थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टाइम टी हम क्या लेते हैं इनिशियल टाइम आपको पता है ऑलवेज जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो एट अ टाइम टी इक्वल जीरो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना दिया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, सो टी का वैल्यू जीरो और थीटा का वैल्यू 80 डिग्री सेंटीग्रेड हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ थीटा के प्लेस पे आपको लिखना है 80 माइनस ये 25 है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी का वैल्यू जीरो है और ये प्लस सी, तो यहाँ से हमें सी का वैल्यू मिलता है स्टेप 2 में, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 80 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 7 माइनस 2 तो यहाँ पर आएगा 555 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो log 55 इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो तो 0 हो जाएगा, ये देखो आपको c का वैल्यू मिल गया, मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 c का वैल्यू log 55 हो गया। अब हम नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करेंगे, अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया क्वेश्चन में, इफ़ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट्स में 80 डिग्री जो टेम्परेचर था वो डाउन होकर के कितना आ गया है 50 डिग्री तक पहुंच गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हेन, ठीक है,
when theta is equal to how much 50 degree centigrade, time duration कितना हो रहा है 30 minutes हाँ this one. तो at time t equal to 30 minute temperature will decrease by this theta equal to 50 degree होता है. अब थीटा का वैल्यू 50 और टी का वैल्यू 30 हम अगेन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और वहां से आपको के का वैल्यू मिल जाएगा. तो आई विल राइट हियर देयर फोर हम यहां पे लिखेंगे देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगेन. ये आपका देखो इक्वेशन नंबर 1 है. लॉग ऑफ थीटा के प्लेस पे क्या आएगा आपका 50 आएगा माइनस 25 तो एज इट इज रहेगा. दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी के प्लेस पे कितना आएगा आपका 30 डिग्री आएगा और प्लस आप यहाँ पे लिखोगे सी. सिंप्लीफाई करते जाना है आपको तो देखते क्या आता है. ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 50 माइनस 25 यू विल गेट इट लॉग ऑफ 25 इज इक्वल टू माइनस ये देखो आपका 30 के हो जाएगा प्लस सी. सी का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में देखो मिला हुआ है. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सी इक्वल टू लॉग 55 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log 55 दिस वे. तो ये हो जाएगा आपका log 25 माइनस देखो यहाँ पे log 55. देखो यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो गया तो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ 25 हाँ log 55 को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ मैं तो ये हो जाएगा माइनस आपका log 55 इज इक्वल टू दिस इज माइनस 30 के. यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा. तो लॉग ऑफ प्रॉपर्टी में यूज़ करूँगा तो लॉग ऑफ देखो ये 25 अपॉन 55 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 30 के. रिड्यूस करते हैं हम लोग सो दिस इज लॉग ऑफ कैंसिलेशन करो 5 से जाएगा 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 बाई 11 इज इक्वल टू माइनस 30 के. हमारा इंटरेस्ट है के का वैल्यू फाइंड आउट करने में तो माइनस 30 मल्टीप्लाइड है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा सो दिस इज माइनस 1 बाई 30 इंटू है लॉग 5 अपॉन 11 इज इक्वल टू देखो के मिल रहा है इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3. हमारा जो मेन एम होता है वो सी और के का वैल्यू फाइंड आउट करने में होता है. सी का वैल्यू तो हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करके फाइंड आउट कर लेते हैं और के का वैल्यू देखो यहाँ पे सेकंड कंडीशन यूज़ करके मिल गया. तो यहाँ पे के का वैल्यू मिल गया है और यहाँ पर देखो आपको सी का वैल्यू मिल गया है इक्वेशन 2 में. अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोला है व्हेन टी इज इक्वल टू 1 आवर. तो 1 आवर को आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज इसके पहले आपको देखो 30 मिनट दिया हुआ है. तो व्हेन टी इक्वल टू 1 आवर उसे आप लिख सकते हो 60 मिनट. तो आपको फाइंड आउट करना है थीटा का वैल्यू. ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है. टी का वैल्यू 60 मिनट हम पुट करेंगे अगेन इक्वेशन नंबर 1 में बिकॉज जो भी क्वेश्चन है वो आपका देखो इक्वेशन नंबर 1 से ही पूरा सॉल्यूशन आपको मिलता है. तो यही इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट रहता है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम आई विल राइट हियर इक्वेशन नंबर 1. तो ये हो जाएगा देखो आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लॉग ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है माइनस 25 तो वैसे ही रहेगा रूम टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ मीडियम एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ये टी ऐसे ही रहेगा. जहाँ पर के है ना तो मैं के का वैल्यू पुट कर दूंगा ना. अभी के का वैल्यू कितना है माइनस 1/30 सो आई एम राइटिंग माइनस 1/30 इंटू देखो ये लॉग ऑफ 5/11 के का वैल्यू मैंने पुट किया. अब देखो हम टी का वैल्यू 60 मिनट यहाँ पर पुट करेंगे सो देखते क्या आता है. ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस टी इंटू माइनस है तो प्लस हो जाएगा और टी का वैल्यू कितना है 60 है डिवाइड बाय ये 30 और ये इंटू देखो आपका लॉग यहाँ पर 5/11 है ये कैंसिल होगा 32 60 हो जाएगा. सो दिस आई कैन राइट लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू दिस विल बी लॉग ऑफ 5/11 ये 2 मल्टीप्लाइड है लॉग के पहले तो पावर में चला जाएगा. हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बोथ साइड आपका लॉग जाएगा सो दिस इज थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू आपका बचेगा 5/11 का देखो स्क्वायर बचेगा. सिंप्लीफाई कर दो आ जाएगा आंसर. सो दिस इज थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर किया 25 11 का स्क्वायर किया तो 121 आएगा. हमें थीटा चाहिए सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 25 अपॉन 121
माइनस 25 शिफ्ट करो, प्लस 25 हो जाएगा। थोड़ा सिंपल वे से मैं सॉल्व करता हूँ, 25 कॉमन ले लो तो 1 अपॉन 121 प्लस 1 बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 122 / 121। सो दिस थीटा इज इक्वल टू, तो अगर हम देखो ये 25 × 122 / 121 करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 36.36 मिलेगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 36.36 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थीटा हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर इज 36.36 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा ये सम सॉल्व हो गया। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछता है ये। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 आपको सॉल्व करके दे दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे देखना मत भूलना, बिकॉज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एक्सरसाइज 6.6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 4 मार्क का आपको 100% मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।